हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है सिद्धार्थ राय। दोस्तों, अगर आप सिद्धार्थ राय मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सिद्धार्थ राय मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा आज इस वीडियो में मैं आपको फिल्म का एक रिव्यू भी दूंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 10 मिनट की ये हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर आप मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो मूवीज़ ओल्ड हों या अपकमिंग मूवीज़ हों, तो फिर इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं सिद्धार्थ मूवी की आपको इंफॉर्मेशन देने की तरफ। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उदू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यो विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया, मीन रिलीज़ किया गया, वो तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के सबक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं।
और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के सबक सदर छः म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रेफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजू किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1976 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगर भी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नाम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर ACP प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी
यला रेडी कीर्तना शू कुमार यंदा मोरी वीर यंदर नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्री नवाज वाजपेयी जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहुमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस। इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इससे मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इससे जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के सबक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के सबक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली। वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है।
और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाधक राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलातों के लिए मशहूर हैं। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नवम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यो विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रच्चा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज, और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू, एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी, म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान, और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स, और इससे मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इससे जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है,
इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे।
जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना, शू कुमार यंदा मोरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधोहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मधु किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में
संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें पश्चिमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यो विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मोरी, वीर यंदर नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्री नवाज वाजपेयी, जिया श्री रचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया है उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इससे मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को
शूट किया गया, मीन रिलीज़ किया गया, वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है, एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 फर्द की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगर भी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नवम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी।
अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार तो रॉय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु, तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यो विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सरदार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी खीर तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूरी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज किया गया वो तेलुगु जबान में रिलीज किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 फर्द की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और एम ए एम आई के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगर भी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं।
بشمول بال روم لاطینی امریکی ٹیپ اور ہندوستانی رقص کی شکل نے بشمول برتنا ٹین کھتک اور کھتاکلی وہ سام اور روبی آرون کی بیٹی ہے جس کی وجہ بھارت میں سمبا رقص کو متعارف کرایا گیا ہے رائے کپور تین بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں ان کے چھوٹے بھائی اداکار کنال رائے کپور اور دیتا رائے کپور ہیں انہیں منیجمنٹ اسٹینڈس میں ماسٹر ڈگری کی اعزاز حاصل ہے اور اس کے علاوہ رائے کپور نے سنڈنم کالج سے کامرس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی پھر جمنا لال بجاج انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹریٹس میں بھی یہ اپنے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں سدھارتھ رائے کپور 2 اگست 1974 کو کماد رائے کپور اور سلوم رائے کپور کے ہاں پیدا ہو جو ایک مس انڈیا اور ڈانس یورگوگرافر ہیں جو مغربی رقص کی شکل میں اپنی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہیں بشمول بال روم لاطینی امریکی ٹیپ اور ہندوستانی رقص کی شکلیں بشمول بھرتنا ٹیم کتک اور کھتاکلی وہ سام اور روبی آرون کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے بھارت میں سامبا رقص کی کو متعارف کرایا گیا ہے رائے کپور تین بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے جو اداکار ہے رائے کپور اور ادتیہ رائے کپور اور اسے مینجمنٹ کی ڈگری بھی حاصل ہے اور رائے کپور نے نوم کالج سے کامرس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی پھر جمنا لال بجاج انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سے تعلیم حاصل کی کیریئر رائے کپور نے اپنے کیریئر کا آغاز بمبئی میں اکٹر اینڈ کیمبل سے برانڈ مینجمنٹ میں شروع کیا سدھارتھ رائے 2024 کی ہندوستانی تیلگو زبان کی رومانوی ڈرامہ فلم ہے اسے وی یشا سوئی نے لکھا اور ہدایت کاری کی اس فلم میں دیپک سروج اور تنوی نیگی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے یہ فلم 23 فروری 2024 کو سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اگر کاسٹنگ کی بات کر لیں تو اس مووی میں دیپک سروج بطور سدھارتھ رائے کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے سدھو تنوی نیگی بطور ای ادھو ہومتی اڈو کے رول میں نظر آئیں گے جبکہ انت سدھارتھ رائے کے والد کے طور پر نظر آئیں گے میتھیو ورگیز بطور اے سی پی پردھووی کلیانی نڈراجن سدھارتھ رائے کی ماں کے طور پر ندنی یلا ریڈی کیرتنا شو کمار یندا موری ویر یندر ناتھ سی وی ایل نرسمار بطور ڈاکٹر رمنا گوپی سیٹی کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے بھوشن کلیان سری نواز واجپائی جیا سری رچا کونڈا ادھو ہومتی کی ماں کے طور پر نظر آئیں گے اگر موسیقی کی بات کریں تو فلم کا ساؤنڈ ٹریک البم اور بیک گراؤنڈ سکور رادھان نے ترتیب دیا تھا تمام موسیقی رادھان نے ترتیب دی تھی اگر اس مووی کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں تو اس مووی کو جس نے ڈائریکٹ کیا ان کا نام ہے وی وی یشاوی رائٹر بھی یہی ہے اور پروڈیوس کرنے والے جو ہے اس مووی کا ان کا نام ہے جایا ادھاپکا اس مووی میں جو مین کردار ادا کر رہے ہیں ان کا نام ہے دیپک ساروج اور اس کے علاوہ جو اس مووی میں جو ہیروئن کا رول ادا کر رہی ہے ان کا نام ہے تنوی نیگی اس مووی کی سینما گرافی جس نے کیا ان کا نام ہے شیام کے نیڈو ایڈٹ جس نے کیا ان کا نام ہے دوستو پروین پوڈی میوزک جس نے دیے ان کا نام ہے ردھان اور پروڈکشن کمپنی جو ہے وہ ہے جی شیری رادھا
दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इससे मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इससे जो मूवी को शूट किया गया, मीन रिलीज़ किया गया, वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है, एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर और राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के सबक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के सबक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली। वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली। वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे
वी यशा सुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया है उनका नाम है दोस्तों परवीन पूरी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और एम ए एम आई के लिए मधु किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त
1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शू कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी
में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस। इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सिद्धार्थ राय जो है कपूर इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड्स रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मधु किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगर भी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने
नाम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर पैर कबूल, अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, इसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी खीर तना, शू कुमार यंदा मुरी, वीर यंदर नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्री नवाज वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू, एडिट जिसने किया है उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी, म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान, और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी
टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लैटिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैटिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नवम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यो विर्गीज बतौर ACP प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ CVL नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी
भी यशा भी राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस। इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सिद्धार्थ राय जो है कपूर इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के सबक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के सबक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगर भी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3
भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नवम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। केदर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मोरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेठी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रच्चा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है, और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज, और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू, एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी, म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान, और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024, और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं, और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एवराज भी इनको हासिल है, और हॉलीवुड रिपोर्टर
نیکسٹ جنریشن ایشیا نوجوان رہنماؤں کی افتتاحی کلاس 2023 میں سدھارتھ کو باوقار اکیڈمی آف موشن پیکس آرٹس اینڈ سائنسز میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ کمپنی کے شریک چیئرمین بھی یہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ سی ٹو کے مینجمنٹ ٹرسٹی اور ایم اے ایم آئی کے لیے موضوع کیا گیا تھا. وہ بمبئی اکیڈمی آف دی مونک امیج میں بھی کام کر چکے ہیں. اگر ان کی تعلیم اور ان کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سدھارتھ رائے کپور بمبئی موجودہ بمبئی میں 2 اگست 1974 کو کمود رائے کپور اور سلوم رائے کپور کے ہاں پیدا ہوئے جو ایک سابق مس انڈیا اور ڈانس کوریو گرافر ہیں. یہ مغربی رقص کی شکلوں میں اپنی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہیں. بشمول بال روم لاطینی امریکی ٹیپ اور ہندوستانی رقص کی شکل نے بشمول بھرتنا ٹین کھتک اور کھتاکلی وہ سام اور روبی آرون کی بیٹی ہے جس کی وجہ بھارت میں سمبھا رقص کو متعارف کرایا گیا ہے. رائے کپور 3 بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی اداکار کنال رائے کپور اور دیتا رائے کپور ہیں. انہیں مینجمنٹ اسٹینڈس میں ماسٹر ڈگری کی اعزاز حاصل ہے. اور اس کے علاوہ رائے کپور نے سنڈنم کالج سے کامرس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. پھر جمنا لال بجاج انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹریٹس میں بھی یہ اپنے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں. سدھارتھ رائے کپور 2 اگست 1974 کو کماد رائے کپور اور سلوم رائے کپور کے یہاں پیدا ہو جو ایک مس انڈیا اور ڈانس یورگوگرافر ہیں جو مغربی رقص کی شکل میں اپنی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہیں. بشمول بال روم لاطینی امریکی ٹیپ اور ہندوستانی رقص کی شکلیں بشمول بھرتنا ٹیم کتک اور کھتاکلی وہ سام اور روبی آرون کی بیٹی ہیں جس کی وجہ سے بھارت میں سامبا رقص کی کو متعارف کرایا گیا ہے. رائے کپور 3 بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے جو اداکار ہے رائے کپور اور ادتیہ رائے کپور اور اسے مینجمنٹ اسٹینڈنٹ کی ڈگری بھی حاصل ہے. اور رائے کپور نے نوم کالج سے کامرس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. پھر جمنا لال بجاج انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سے تعلیم حاصل کی. کیریئر رائے کپور نے اپنے کیریئر کا آغاز بمبئی میں ایکٹر اینڈ کیمبل سے برانڈ مینجمنٹ میں شروع کیا. سدھارتھ رائے 2024 کی ہندوستانی تیلگو زبان کی رومانوی ڈرامہ فلم ہے جسے وی یشا سوئی نے لکھا اور ہدایت کاری کی. اس فلم میں دیپک سروج اور تنوی نیگی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. یہ فلم 23 فروری 2024 کو سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی. اگر کاسٹنگ کی بات کر لیں دوستو اس مووی میں دیپک سروج بطور سدھارتھ رائے کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے. سدھو تنوی نیگی بطور ای ادھو ہومتی اڈو کے رول میں نظر آئیں گے جبکہ آنت سدھارتھ رائے کے والد کے طور پر نظر آئیں گے. میتھیو ورگیز بطور اے سی پی پردھووی کلیانی نڈراجن سدھارتھ رائے کی ماں کے طور پر ندنی یلا ریڈی کیرتنا شو کمار یندا موری ویر یندر ناتھ سی وی ایل نرسمار بطور ڈاکٹر رمنا گوپی سیٹی کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے. بھوشن کلیان سری نواز واجپائی جیا سری رچا کونڈا ادھو ہومتی کی ماں کے طور پر نظر آئیں گے.
अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोज। इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर
کے ہاں پیدا ہو جو ایک مس انڈیا اور ڈانس یورگو گرافر ہیں جو مغربی رقص کی شکل میں اپنی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے. پشمول بال روم لاتینی امریکی ٹیپ اور ہندوستانی رقص کی شکلیں پشمول بھرتنا ٹیم کتک اور کھتاکلی وہ سام اور روبی آرون کی بیٹی ہیں جس کی وجہ سے بھارت میں ساموبا رقص کی کو متعارف کرایا گیا ہے. رائے کپور تین بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے جو اداکار ہے رائے کپور اور ادتیہ رائے کپور اور اسے مینجمنٹ اسٹینڈنٹ کی ڈگری بھی حاصل ہے. اور رائے کپور نے نوم کالج سے کامرس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. پھر جمنا لال گجان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سے تعلیم حاصل کی. کیریئر رائے کپور اپنے کیریئر کا آغاز بمبئی میں اکٹر اینڈ کیمبل سے برانڈ مینجمنٹ میں شروع کیا. سدھارتھ رائے 2024 کی ہندوستانی تیلگو زبان کی رومانوی ڈرامہ فلم ہے جسے وی یشا سوئی نے لکھا اور ہدایت کاری کی. اس فلم میں دیپک سروج اور تنوی نیگی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. یہ فلم 23 فروری 2024 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی. اگر کاسٹنگ کی بات کر لیں دوستو اس مووی میں دیپک سروج بطور سدھارتھ رائے کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے. سدھو تنوی نیگی بطور ای ادھو ہومتی اڈو کے رول میں نظر آئیں گے جبکہ انت سدھارتھ رائے کے والد کے طور پر نظر آئیں گے. میتھیو ورگیز بطور اے سی پی پردھووی کلیانی نڈراجن سدھارتھ رائے کی ماں کے طور پر ندنی یلا ریڈی کیرتنا شو کمار یندا موری ویر یندر ناتھ سی وی ایل نرسمار بطور ڈاکٹر رمنا گوپی سیٹی کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے. بوشن کلیان سری نواز واجپائی جیا سری رچا کونڈا ادھوہومتی کی ماں کے طور پر نظر آئیں گے. اگر موسیقی کی بات کریں تو فلم کا ساؤنڈ ٹریک البم اور بیک گراؤنڈ سکور رادھان نے ترتیب دیا تھا. تمام موسیقی رادھان نے ترتیب دی تھی. اگر اس مووی کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں تو اس مووی کو جس نے ڈائریکٹ کیا ان کا نام ہے وی وی یشاوی. رائٹر بھی یہی ہے اور پروڈیوس کرنے والے جو ہے اس مووی کا ان کا نام ہے جایا ادھاپکا. اس مووی میں جو مین کردار ادا کر رہے ہیں ان کا نام ہے دیپک ساروج. اور اس کے علاوہ جو اس مووی میں جو ہیروئن کا رول ادا کر رہی ہے ان کا نام ہے تنوی نیگی. اس مووی کی سینما گرافی جس نے کی ان کا نام ہے شیام کے نیڈو. ایڈٹ جس نے کیا ان کا نام ہے دوستو پروین پوڈی. میوزک جس نے دیے ان کا نام ہے ردھان. اور پروڈکشن کمپنی جو ہے وہ ہے جی شیری رادھا دمدار اسٹوڈیوز. اس کے ساتھ ودھان اینڈ وینن کریٹرز. اور اس سے مووی کی جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ ہے 30 فروری 2024. اور اس سے جو مووی کو شوٹ کیا گیا مین ریلیز کیا گیا وہ تیلگو زبان میں ریلیز کیا گیا. اب یہ جو سدھارتھ رائے ہے ایک کون شخصیت ہیں ان کے اوپر فلم بنائی گئی ہے اب میں آپ اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو سدھارتھ رائے جو ہے کپور ان کا مکمل نام سدھارتھ رائے کپور ہے. ان کی پیدائش جو ہے نا ہوئی تھی 12 اگست 1974 میں اور ایک ہندوستانی فلم پروڈیوسر رائے کپور فلم کے بانی ہیں. وہ والٹ ڈرنی کمپنی انڈیا کے سابق مینجمنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر سرگلیڈ آف انڈیا کے سابق صدر 6 میعاد کے بھی رہ چکے ہیں.
इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड्स रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और एम ए एम आई के लिए मधु किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करें तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगर भी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मोरी वीर यंदर
नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी जिया श्री रचा कोंडा अधोहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया है उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए है उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस। इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगर भी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और दीप्ता राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की फिर जमुना लाल
बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बालरूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नवम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यो विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज, और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू, एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी, म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान, और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स, और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं।
वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर छः म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है और राय कपूर ने नम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसे वी यशा सुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ACP प्रधोवी
कल्याणी नटराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नंदिनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी, वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सीटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया, मीन रिलीज़ किया गया, वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मधु किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं।
इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाधक राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें पश्चिमूल भरतनाट्यम कत्थक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार है राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नवम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया।